वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जो राष्ट्रपति की पॉकेट पावर वगैरह होती है उनके बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है। तो लेक्चर 26 हमारा है पॉलिटी का न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्ति को हम जुडिशियल पावर भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। 123 किस रिलेटेड था? वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड था, यानी कि ऑर्डिनेंस के तुरंत बाद वो क्या हो जाएंगे, राइट सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कर देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सी होती है? और अनुच्छेद हमारे 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सी है? वो 143 है। 143 के तहत वो राष्ट्रपति से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनसे क्या कर सकते हैं? उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन उनकी राय मानेंगे। ऐसा कोई कंपल्सरी संविधान में नहीं लिखा है, केवल वो उनसे राय मांग सकते हैं। तो ऐसे कौन से संविधान में लिखा हुआ है? 143 में, यानी कि ये एक तरीके से प्यार भावना की बात आप कह सकते हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण का अनुमोदन वो कर सकते हैं, यानी कि वो उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। तो ये कुछ जुडिशियल पावर है हमारे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी कि पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। केंद्रीय कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को सजा प्राप्त है तो मृत्युदंड, चाहे केंद्रीय कानून के तहत हो या राज्य कानून के तहत हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई दंड हो, तो वो क्या है कि वो इन शक्तियों में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब क्षमा कैसे होगी? कि वो सजा को पूरी तरीके से माफ भी कर सकते हैं। सजा की प्रकृति में बदलाव किए बगैर सजा की मात्रा में कमी, जैसे कि 10 साल से 5 साल की सजा वो कम कर सकते हैं। विराम भी कर सकते हैं जब सजा को किसी विरोध कारण से स्थगित रखा जाए, जैसे कि घायल व्यक्ति अथवा गर्भवती महिला, यानी कि वो उनको थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हैं। परिविलंबन, यानी कि मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना, यानी कि वो मृत्यु दंड को पूरा माफ कर सकते हैं। कम्यूटेशन, सजा की प्रकृति को हल्का किया जाना, जैसे कि कठोर कारावास को सामान्य कारावास या कारावास को आर्थिक दंड में बदला जाए। ये सब पावर किसके पास है? ये सब पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है। अब जैसे कि इसमें एक पावर है राष्ट्रपति के पास, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, यानी कि किसी को फांसी की सजा दी गई है कोर्ट द्वारा, और उसने याचिका डाल दी राष्ट्रपति के पास क्षमा याचन के लिए। तो जब तक, अब तो राष्ट्रपति के पास तो बहुत सारी याचिकाएं आती है, तो जब तक उस याचिका को राष्ट्रपति देख नहीं लेते, तब तक इनका मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति इसको यहां से क्लियरिफाई कर देंगे, तो उनकी वो डेट फिक्स हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक इन्होंने याचिका दी हुई है, तब तक उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ सजा के प्रावधान है, यानी कि सजा को माफ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए विराम भी कर सकते हैं, उनमें परिलंबन भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को हटाकर सामान्य जेल भी कर सकते हैं, लघुकरण भी कर सकते हैं, कठोर कारावास को सामान्य कारावास में भी बदल सकते हैं, यानी कि उनको आर्थिक दंड में भी बदला जा सकता है, कुछ दिन भी कुछ जुर्माना देकर छोड़ दिया जाए। तो ये सब शक्ति किसके पास है? ये सब शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है। सैन्य शक्ति, जैसे कि हम सब जानते हैं कि तीनों सेना का कमांडर कौन होता है? तीनों सेना का कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। किसी देश के साथ युद्ध एवं शांति की घोषणा कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति साहब करते हैं। वित्तीय शक्ति, यानी जो फाइनेंशियल पावर है, जैसे कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के साथ ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक लाया जाता है। वित्त आयोग की स्थापना करनी है, यानी कि फाइनेंशियल आयोग की स्थापना करनी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाना हो। अकस्मात निधन पर नियंत्रण, यानी कि कोई हमारा जरूरत पड़ गई हमें किसी धन की, तो उन पर नियंत्रण कौन करता है? उन पर भी राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है। राजनयिक शक्तियां कौन सी है? कि किसी अन्य देश के साथ जो समझौता या संधि होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसी अन्य देश में जो रासायनिक या राजदूत या उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश पर ही किया जाता है, जिसे हम ब्रांड एम्बेसडर भी कहते हैं, यानी कि जो एम्बेसडर होते हैं हमारे अलग अलग कंट्रीज में, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। किसी अन्य देश से भारत में नियुक्ति होने वाला राजदूत या उच्चायुक्त अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि एम्बेसडर बाहर की कंट्री के भी आएंगे, तो वो जो अपना परिचय पत्र है वो राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत करते हैं। तीन तरह की आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति के अंडर में आती है। सबसे पहले तो ये नेशनल इमरजेंसी है, जो तीन बार लगी है अब तक भारत के अंदर। फिर राष्ट्रपति शासन होता है, जो स्टेट के अंदर लगता है 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल, ये फाइनेंशियल होते हैं, जो अभी तक भारत में नहीं लगी है। तो जो तीन तरह की आपातकाल शक्तियां, इनका जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, उसमें आप 4+ कर दोगे तो आप स्टेट में पहुंच जाओगे जहां राष्ट्रपति शासन लगता है, और अगर 4+ और कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ धन की कमी हो चुकी है, तो वो क्या होगा, वो हमारी फाइनेंशियल आपातकालीन इमरजेंसी हो जाएगी।
जो कुछ विशिष्ट तथ्य हैं हमारे राष्ट्रपति को लेकर वो इस तरीके से हैं, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ये हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं और 14वें यानी कि 14वें व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जो शुरू के दो प्रधान राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक ही इंसान थे। सबसे निकट अंतर से जो अभी तक किसी को हराया गया है तो वो वीवी गिरी ने नीलम संजीवा रेड्डी जी को हराया था 1969 में। 1969 में क्या हुआ था, इसरो की स्थापना भी हुई थी और एक काम और हुआ था, पहला इंसान चंद्रमा पर उतरा था। क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रांग। तो इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच काफी क्लोज मुकाबला हुआ, जिसमें कौन जीत गए? वीवी गिरी जीत गए थे। कार्यकारी राष्ट्रपति अभी तक कौन रही है? बीबी गिरी रही है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे हमारे देश के और ये ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी। एक एम हिदायतुल्ला है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, ये भी बीबी गिरी द्वारा जब त्याग पत्र दिया गया और बीडी ट्रंप जयंती द्वारा, तो ये क्या हुआ कि इनको क्या बनाया गया, इनको कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। यह है ना कि हमारे देश में अगर राष्ट्रपति ना हो तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अगर वहां पर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन होगा? फिर वो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो हमारे राष्ट्रपति के पोस्ट पर एज ए वर्क करेंगे। तो जब बीबी गिरी द्वारा त्याग पत्र दिया गया तो क्या हुआ कि एम हिदायतुल्ला को क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। क्योंकि बीबी गिरी स्टैम्प पर क्या थे? बीबी गिरी स्टैम्प पर वो थे उपराष्ट्रपति थे। ऐसे ही बीडी जयंती भी फारूक अली अहमद की मौत के कारण क्या बनी है? ये भी राष्ट्रपति का उन्होंने कार्यभार संभाला कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। तो ऐसे दो ही राष्ट्रपति हैं, दोनों के दोनों मुस्लिम हैं, जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन है, दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ये फखरुद्दीन अली अहमद वो है जिनके टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। सबसे लंबी अवधि तक जो राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, ऑब्वियस सी बात है कि वे दो बार हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने 10 साल तक हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर काम किया है, तो सबसे ज्यादा यही होंगे। और सबसे कम अवधि वाले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो एम हिदायतुल्ला थे जो कार्यकारी राष्ट्रपति थे, और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। और सबसे क्लोज वोट से वीवी गिरी ने नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था। प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है वो प्रतिभा पाटिल है, सब जानते होंगे, ये हमारे राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी है। एकमात्र निर्विरोध जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। ये क्वेश्चन आपको कई बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिला होगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो बिना किसी मतलब जो बिना किसी वोटिंग के, जो बिना किसी निर्वाचित निर्विरोध के भी उनका विरोध नहीं किया गया, दोनों पक्ष की लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों सदनों ने निर्विरोधी इनको क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति? नीलम संजीवा रेड्डी हैं जो एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। एम हिमाचल सिंह, मैंने पहले भी बताया, ये एकमात्र हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन कौन थे? सबसे पहले हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी स्मृति में हम क्या बनाते हैं, हम टीचर्स डे मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। एक बीबी गिरी है, एक आर वेंकटरमन, यार वेंकटरमन केरला से आते थे, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। तो ये 5 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति भी ये बने हैं। 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई है, वो कौन से हैं? जैसे मैंने पहले बताया, दोनों के दोनों मुस्लिम हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार किया है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको यह सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।